हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट एल्गी ईटर्स फॉर योर एक्वेरियम। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर वन, प्लैको द सर्कल फिश। गाइस, प्लैको सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली फिशेस हैं इन अ बेसिस ऑफ एल्गी ईटिंग, क्योंकि ये छोटे छोटे गाइस एल्गी को छट से रिमूव कर देते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी प्लैको को ही प्रेफर करता हूँ इसके लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैको ही नंबर वन है। नंबर टू, सियामीज एल्गी ईटर। कहीं ना कहीं आपने इनका नाम सुना ज़रूर होगा, पर अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। सियामीज एल्गी ईटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती हैं, प्लैको से भी ज़्यादा। कुछ लोग प्लैको की बजाय इसको प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फास्टनेस ऑफ देयर वर्क, क्योंकि जल्दी काम करती हैं। तो इसलिए एक पॉइंट ये बनता है कि हमें सियामीस एल्गी ईटर खरीदनी चाहिए, ये एल्गी को जड़ से ख़त्म कर देती है। नंबर थ्री, ऑटोसिंक्लस कैटफिश। ऑटोसिंक्लस कैटफिश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, पर यह एग्रेशन ये किसी दूसरी मछली पे नहीं, ये एल्गी और अपने शिकार पर जताती है। और इनका सबसे फेवरेट खाना एल्गी ही होता है। अगर मैं बात करूँ सियामीस एल्गी ईटर्स की, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह सियामीस एल्गी ईटर से भी ज़्यादा तेज़ खाना खा लेती हैं और एल्गी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। नंबर फोर, ट्विग कैटफिश। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये दोनों कज़न स्पीशीज़ हैं, पिछली वाली कैटफिश और ये कैटफिश फैमिली से ही बिलोंग करती है, पर इन दोनों की स्पीड लगभग सेम होती है और लोग इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखते, पर दोनों एल्गी ईटिंग में लाजवाब हैं। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि हम इस वाली कैटफिश को अपनी एल्गी ईटिंग के लिए यूज़ करें। नंबर फाइव, जो कि मेरी फेवरेट है, पर ये उन एल्गी ईटिंग में आती है जो प्लांटेड टैंक में होते हैं, मॉली गप्पी प्लैटी। मॉली गप्पी प्लैटी नॉर्मली बहुत सर्वाइव करती हैं एक प्लांटेड टैंक में, पर यूजुअली अगर हम बात करें नॉर्मल प्लांटेड टैंक जिस जो उसमें लाइफ प्लांट नहीं होते, प्लास्टिक प्लांट्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाती। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटे नन्हे जानवर आपकी एल्गी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये आपकी एल्गी को ख़त्म करने के साथ साथ थोड़ा टाइम लेंगे, पर इससे आपके एक्वेरियम को एक नया लुक मिलेगा, जिससे नन्हे दोस्त आपका जल्द से जल्द काम पूरा कर सकते हैं। नंबर सिक्स, स्नेल्स। अब भाई, अगर एल्गी ईटिंग की बात आई है तो स्नेल पीछे क्यों हटें? स्नेल्स भी एल्गी ईटिंग में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। आपको पता है, अगर आप कहीं से भी प्लांटेड टैंक बनाएंगे या फिर आप किसी दूसरे एरिया से मड या फिर सबस्ट्रेट लाएंगे, अगर उसमें स्नेल के एग्स आ गए तो वो स्नेल्स पैदा हो जाते हैं और वो काई को खाने लग जाते हैं और डेड लीव्स को खाने लग जाते हैं। चाहे वो मिस्ट्री स्नेल हो, निराइट स्नेल हो या कोई अदर स्नेल हो, एल्गी ईटिंग के मामले में हर स्नेल अपने रिस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रिम्प्स। अब भाई, श्रिम्प से ज़्यादा क्यूट क्रिएचर कहाँ आपको मिलेगा। और श्रिम्प जब काम करते हैं तो वो एक किसान की याद दिलाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से किसी भी एल्गी को खाते हैं या साफ़ करते हैं अपने खाने को भी, जिस प्रकार किसान हल जोतता है और फसल को निकालता है। ये मेरे थॉट्स हैं। तो गाइस, मैं आपको अगर आपकी बात बताऊँ तो अगर प्लांटेड टैंक में काई है तो आप श्रिम्प्स को प्रेफर करें, चाहे वो चेरी श्रिम्प हो, अमानो श्रिम्प हो या गोस्ट श्रिम्प हो, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज अ एल्गी ईटर। सो गाइस, दैट इज़ फॉर टुडे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना एक प्यारा सा लाइक मेरे लिए छोड़ दें, हमारी अमानो श्रिम्प या एल्गी ईटर्स के लिए छोड़ दें। जल्द ही हम और ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियोज़ लाएंगे, बट टिल देन बाय बाय।